myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में एट्थ क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अगला चैप्टर है तारे एवं सौर परिवार। तारे एवं सौर परिवार, सौर परिवार, तारे एवं सौर परिवार। अब चूंकि सौर परिवार या तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए इनकी दूरी को मापने के बारे में आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं इसको जानने के लिए, प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, या प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैसे आकाशीय पिंडों के बीच एक बड़ी बड़ी दूरियां, जैसे पृथ्वी से किसी तारे की दूरी, दो तारों के बीच की दूरी आदि को मापने के लिए, चूंकि बड़ी दूरियां हैं इसलिए हम प्रकाश वर्ष यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई होती है, या एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वास्तव में चूंकि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा, यानी 2.997 × तो इसको लगभग हम 3 कह देते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी प्रकाश की चाल 3×10⁴ मीटर पर से 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात प्रकाश के द्वारा एक वर्ष, यानी 365.25 दिन में तय की गई दूरी। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो 365.25, क्योंकि एक वर्ष में 365.25 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो × 24 × 7 × 7 इस प्रकार से सेकेंड हो गए। अगर हम इन सब का गुणा करें तो ये लगभग 9.46, इनका सब का गुणा करें तो ये हो जाएगा 9.46 × 10⁵। इतना हो जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इतना, ये 365.25 यानी एक वर्ष, एक दिन में 24 घंटे होंगे और 24 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे और इसको सेकेंड में बदलने के लिए फिर से 60 का गुणा करेंगे, और इन सब का अगर हम गुणा करते हैं तो आएगा 9.46 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो अर्थात एक प्रकाश वर्ष 5 मीटर, और अगर हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9.46 × 10⁻¹⁰ किलोमीटर लगभग। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर एक
प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^12, 9.46 × 10^12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग 9.46 × 10^12 किलोमीटर होता है, यानी ये काफी बड़ी यूनिट है। मीटर के अकॉर्डिंग अगर देखें 10^12 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से एक प्रकाश वर्ष का मान भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश वर्ष भी जान गए, प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं कि प्रकाश द्वारा चली गई वह दूरी जो एक वर्ष में तय की जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल बराबर 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी प्रकार से अब अगर हम प्रकाश को की चाल को इसको चेंज करना चाहें तो 365 दिन में 365.1 वर्ष में 365.25 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से गुणा कर दिया × 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट में चेंज हो गया, और 60 से गुणा कर दिया तो ये सेकेंड में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से लगभग 9.46 × 10^5 मीटर लगभग हो गया। अब अगर हम इसको प्रकाश की चाल से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर हम प्रकाश की चाल ये है इससे यानी 3×10^8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी मिल जाती है, और ये लगभग इतनी होती है। इसको लगभग में लिखें, लगभग इतनी होती है किलोमीटर, 9.46 × 10^12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना हो गया? सर। तो अब अगर हमको देखना है तो हमारी पृथ्वी से एक निकटस्थ तारा प्रेक्सिमा, हमारी पृथ्वी से एक निकटस्थ तारा प्रेक्सिमा सेंटारी है जिसकी दूरी लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस तारा के जिस प्रकाश को हम आज रात देखते हैं वह उससे 4.22 वर्ष पहले उत्सर्जित हुआ होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, अतः प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना होगा? सूर्य से पृथ्वी की दूरी बटे प्रकाश की चाल, यानी 15 करोड़ किलोमीटर बटे प्रकाश की चाल। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, अतः प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय बराबर, समय बराबर कितना समय लगेगा? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी और बटे प्रकाश की चाल, बटे प्रकाश की चाल। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो बराबर 15 करोड़ और बटे प्रकाश की चाल क्या है? ठीक ठीक प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो बराबर कितना हो सकता है? 500 करोड़, 500 सेकेंड,
बराबर 500 सेकेंड, लगभग इतना टाइम लगता है, या 8.3 मिनट। अगर इसको सेकेंड को मिनट में बदलना है तो बराबर 500 बटे 7 कर दिया जाए तो 8.3 मिनट लगभग आ जाएगा। यानी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही।